सबसे पहले आपको बताएं कि मंशा बम के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब पुलिस पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक मंशा बम पुलिस से काबू में नहीं आ रहा, यह है नए पाकिस्तान की पुलिस, पुलिस को शर्म आनी चाहिए। अहवाल जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे रियाज शाकिर से। रियाज, कहेगा चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए? जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में कब्जा माफिया मंशा बम के हवाले से अज़हुद नोटिस केस की सुनवाई की। दौरान सुनवाई अदालत ने मंशा बम से बहुत गुजार कराई जाने वाली एराजी को मुतासरीन को वापस ना करने के मामले पर डीआईजी लाहौर वकास नजीर पर सख्त बरहमी का इजहार किया और उसकी तरफ से पेश करता रिपोर्ट को मुल्जिम करार दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस से एक मंशा बम काबू नहीं आ रहा, क्या ये नए पाकिस्तान की पुलिस है? पुलिस वाले गालियां भी खाते हैं और फिर बदमाशों का साथ देते हैं। डीआईजी वकास नजीर ने कहा कि वो पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो जो राजी वागुजार कराई है उसके हवाले से मुतासरीन को वापस की जाएगी। अदालत ने इस मामले पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि बदमाशों की तरफदारी भी आप लोग बदमाशों की तरफदारी करते हैं, अगर आप अब यूनिफॉर्म में आया तो मुझे लगता है कि आप वापस आप यूनिफॉर्म में नहीं जाएंगे। एक मंशा बम पुलिस वालों से काबू नहीं आ रहा, आप लोग बदमाशों के साथ मिले हुए हैं, क्या ये कानून के रखवाली कर रहे हैं आप लोग? इस पर डीआईजी ने अदालत को बताया कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गालियां भी खाते हैं और बदमाशों की तरफदारी भी करते हैं, ये कानून की रखवाली कर रहे हैं आप।